Hello everyone, welcome to Apti Plus IAS Academy. In this video session, we'll discuss that daily topic-wise news analysis. So the coverage of the news will be from the Hindu as well as from the Indian Express. तो दोनों newspaper से जो relevant news है, news की जो topic है, उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा mains और prelims examination में benefit हो सके. तो चलिए आगे बढ़ते start करते हैं. And before I begin, I would like to tell you that we are organizing a mega webinar. This is on 31st of May. The timing is scheduled for 6 p.m. to 7 p.m. And the speaker for this mega webinar is Saurav Jain. The discussion would be on how to make notes for UPSC Civil Service Examination and how to select your optional subject. If any of you are confused regarding the selection of optional, definitely you need to watch this. For more details and registration, you can contact to this number. And I've given the link in the description also. So you can check there and get more information. बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की तरफ. सो टुडे इज 29th ऑफ मे. सो दीज आर द नंबर ऑफ द टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे. सो द फर्स्ट इज अराउंड फंगल पाउडर एंड इम्यूनिटी, इंडिया वैक्सीन ट्रायल्स, ड्रोन फॉर द लोकटिस कंट्रोल, अ हेल्थ पार्टनरशिप एंड इंडिया नेपाल रिलेशनशिप. अपार्ट फ्रॉम दिस वील हैव सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन. तो वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा और कल के जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे उसके एक्सप्लेनेशन भी आज बताऊंगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज फंगल पाउडर एंड इम्यूनिटी. सो दिस वॉज इन द न्यूज़. आप आज के हिंदू न्यूज़पेपर में लास्ट के पेपर में लाइफ का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी. एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिसाइसली जहाँ पे आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप इसको ज़रूर समझें अच्छे से. सो फर्स्ट जो बोडोलैंड है, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी है वहाँ आसाम में कोकराझार में, उन्होंने एक फंगल पाउडर डेवलप किया है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी बूस्टिंग द इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करेगी. और जिस तरह से ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से जो इम्यूनिटी का सबसे ज़्यादा खतरा हुआ है, बिकॉज कोविड के बारे में ये कही जा रही है कि जिसकी इम्यूनिटी सही है उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ये इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट. सो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी कोकराझार में, जैसे मैंने आपको बताया, सो द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जो पाउडर जो जनरेट की गई है, जो बनाई गई है, वो एक काइंड ऑफ सुपर मशरूम से बनाई गई है और उसको बोलते हैं कॉरिसेपस मिलैटरिस. ओके, तो कॉरिसेपस मिलैटरिस इज अ वेराइटी ऑफ अ मशरूम फ्रॉम विच दिस फंगल पाउडर हैज़ बीन मेड, राइट. नाउ आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जो कॉरिसेपस मिलैटरिस है वो है क्या. बेसिकली एक पोटेंशियल हार्बर बायो मेटाबॉलिज्म का हर्ब है, ये एक हर्बल ड्रग है. बेसिकली जो करता क्या है कि एप्लीकेशन है इन रिवाइटलाइजिंग आवर बॉडी सिस्टम फ्रॉम द एंशिएंट टाइम. तो अगर बात करें चाइनीज हेल्थ की, तो वहाँ पे भी बहुत पहले इस तरह के जो एविडेंस है कि चाइना में इसको यूज़ किया गया है टू बूस्ट इम्यूनिटी, राइट. तो दिस इज़ नॉट न्यू, दिस इज़ नॉट समथिंग विच हैज़ बीन कम्प्लीटली न्यू टू द मैनकाइंड, बट इट वॉज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस, राइट. पहले भी इसकी यूजेस हो चुकी है. अगर बात करें कॉर्डिसेपस की, तो इट इज़ एन एंटी एजिंग, एंटीवायरल, एनर्जी एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग इफेक्ट. तो ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं इस पॉजिटिव नोट में. और ये जो एंटी ट्यूमर्स इफेक्ट्स भी पोजेस करती है, जो रिसर्च में पाया गया कि इट हैज़ अ पोटेंट इफेक्ट इन द ट्यूमर. सो दीज आर सम ऑफ द नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स फॉर द कॉर्डिसेपस मिलैटरिस. नाउ अगर बात करें फाइंडिंग्स की, जो रिसेंटली साइंटिस्ट ने जो फाइंड किया है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में, तो उनके मुताबिक बेसिकली जो फ्रीज डाइंग सुपर मशरूम है जो कल्टीवेट होती है बोडोलैंड से, बोडोलैंड की एरियाज़ में, यूनिवर्सिटी के एरिया में भी बेसिकली वहाँ पे लैबोरेटरी सेटिंग में इसको बनाया गया, इसको डेवलप किया गया. एंड द साइंटिस्ट आर आल्सो लुकिंग टू फाइट द वायरस टू बूस्ट द पर्सनल इम्यूनिटी, जो पर्सन की इंडिविजुअल की इम्यूनिटी है, बिकॉज इम्यूनिटी इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप डाइटरी सोर्सेज लेते हैं, अगर मैं आपको डाइटरी सोर्सेज में बताऊँ तो विटामिन सी, विटामिन ई, दीज आर द थिंग्स विच हेल्प योर इम्यूनिटी. बेसिकली विटामिन सी जो है उसका सबसे ज़्यादा अहम रोल है. नाउ अर्थ की अगर बात करें, जो हमारे पूरे बेसिकली पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ के जिस जहाँ जहाँ पर ये पाई जाती है, 400 स्पीसीज़ है कॉर्डिसेपस की. और जो बेसिकली यहाँ पे जो वैरायटी है वो एक इंसेक्ट फंगल की वैरायटी है, राइट. और जो नेचुरल फॉर्म में जो कॉर्डिसेपस होती है दैट इज़ वेरी हार्ड टू गेट, बहुत ही मुश्किल है उसको पाना. और अगर उसको सुखा करके ड्राई करके अगर बेचा जाए तो जो कॉस्ट होगी दे वर समवेयर क्लोज टू 8 लाख रुपीज़ पर केजी. आप सोच सकते हो ह्यूजली कॉस्टली, एंड इट इज़ वेरी अनअफोर्डेबल फॉर द पीपल टू गेट इट.
अगर ये 8,000 रुपये पर केजी है, अगर इसकी टैबलेट्स भी लेंगे तो एक इंडिविजुअल का जो डोज है वो करीबन करीबन 50,000 के आसपास आएगा, विच इज़ नॉट फीजिबल। ओके, तो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है कुछ ऐसे नए तरीके से जहाँ पे जो कैप्सूल है, जो मशरूम सुपर पावर है, उसको 120 रुपीज़ कमर्शली पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है और इसको सेल करने की तैयारी की जा रही है। राइट, नाउ कमिंग टू द अदर टॉपिक, दैट इज इंडिया वैक्सीन ट्रायल। आपने पहले भी काफ़ी न्यूज़ पढ़ा होगा इंडिया बायोटेक को लेकर के। ओके, और जो हमारी फर्म्स हैं बेसिकली इंडिया में, जो सेरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कुछ ऑलरेडी ट्रायल्स किए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेम न्यूज़ आप आज के हिंदू में भी पढ़ सकते हैं जहाँ पे टाइटल है इंडिया वैक्सीन ट्रायल लाइकली इन अक्टूबर। सो जो नोबल कोरोना वायरस है दैट इज़ बींग डेवलप्ड इन इंडिया, इसकी जो जिस तरह से केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा सर्ज हैं, हर दिन हर लगभग 5,000 के आसपास केसेस मिल रहे हैं। एंड जो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हैं उनके मुताबिक जो अक्टूबर में इंडिया ह्यूमन ट्रायल की तरफ आगे बढ़ सकती है, दिस इज़ समथिंग विच साइंटिस्ट हैव इंडिकेटेड। एंड अनदर वैक्सीन ग्रुप हैज़ बीन डेवलप्ड एज प्रोमाइजिंग प्रोटीन दैट वुड हेल्प टू रीटली टेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट फरवरी। तो ये फरवरी 2021 की बात की गई है, बिकॉज देखो किसी भी वैक्सीन को बनने के लिए, एज यू नो इट टेक्स, अगर आप नॉर्मल मोड से किसी भी वैक्सीन को बनाते हो तो कम से कम एक वैक्सीन तैयार होने में 8 से 10 साल लगते हैं। राइट, और जैसे इस तरह से कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है जितना ज़्यादा इंटेंसीफाई हुआ है, ग्लोबली इसका इम्पैक्ट हुआ है। राइट, तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो साइंटिस्ट हैं दे हैव अवेक, और उनका कहना है कि कम से कम एटलीस्ट इट विल टेक 18 to 20 months टू गेट द वैक्सीन विद प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स। राइट, तो यहाँ पे इंडिया ने भी एक डेवलपमेंट दिखाया है और जो कोशिश है हमारी वो अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होगी ह्यूमन ट्रायल को लेकर के। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियाज एफर्ट, तो बेसिकली वी हैव बिन लुकिंग फॉर बोथ इंडिजिनस एंड फॉरेन कोलेबोरेशंस। राइट, तो हमने खुद का अपना इंडिजिनस और जो फॉरेन कोलेबोरेशंस हैं उनके साथ भी काम करने की कोशिश की है। तो अगर बात करें फॉरेन कोलेबोरेशन के साथ, तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जहाँ पे हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबरेट किया, और कुछ साइंटिस्ट जो कैंडिडेट में बेसिकली ट्रायल्स किए गए थे वहाँ पे रिजल्ट तो बहुत अच्छे नहीं आए, बट जो मंकीज में रिजल्ट आए थे उसमें देखा गया कि जो सीवियरिटी है वो रिड्यूस हुई है। राइट, और अगर बात करें भारत बायोटेक की, तो उन्होंने भी अनाउंस किया कि दे आर कोलेबरेटिंग विद इंटरनेशनल वायरोलॉजिस्ट, जो यूनिवर्सिटी है विस्कॉन्सिन एंड मेडिसन, और US की जो वैक्सीन कंपनी है फ्लूगेन, उसके साथ एक क्लोरोफ्लू नाम की एक इनकॉगुलेंट डेवलप की गई है, जो कि नेजली जो नेजल होगी, बेसिकली नेजल मतलब एक ड्रॉप होगी जो ड्रॉप के थ्रू आपके नेजल के थ्रू इनपुट की जाएगी। राइट, सो दिस इज़ व्हाट दे आर डेवलपिंग। और ग्लेनमार्क, अभी अपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा, हमने इसको डिस्कस भी किया था अपने एडिटोरियल बेसिकली डिस्कशन में, तो ग्लेनमार्क जो फेज 3 का जो क्लिनिकल ट्रायल है उसको भी आगे बढ़ा रही है, जो दो ड्रग थे उसके कॉम्बिनेशन में, जिसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है दैट इज़ कॉल्ड फेविपिराविर। ओके, दीज आर द ड्रग्स विथ विच ग्लेनमार्क हैज स्टार्टेड क्लिनिकल फेज 3। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द इंडियाज एफर्ट इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ट्रायल एंड द डेवलपमेंट ऑफ COVID-19 वैक्सीन्स। नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज ड्रोन फॉर द लोकटस कंट्रोल, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस न्यूज इन द हिंदू, जहाँ पे टाइटल है ड्रोन डिप्लाइड फॉर कंट्रोलिंग लोकटस। सो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने परमिशन दिया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को राजस्थान के, और भी जितने भी स्टेट्स में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, अभी फिलहाल राजस्थान को परमिशन दिया गया है टू यूज़ रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम फॉर एंटी लोकस्ट ऑपरेशंस। राइट, आपको पता है मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी सारे स्टेट्स में इनका जो लोकस्ट का जो माइग्रेशन है वो बढ़ ही रहा है। बात करें अगर ट्रायल की, तो जयपुर में कुछ इस तरह से ट्रायल लिए गए थे ड्रोन्स का, तो वहाँ पे एडिशनल सपोर्ट कुछ हद तक मददगार साबित हुई है। एंड द लोकस्ट अटैक्स हैव अफेक्टेड ऑलमोस्ट 90,000 हेक्टेयर इन 20 districts ऑफ द इंडियन स्टेट। राइट, तो बात करें कि लोकटस है क्या, एज यू कैन सी इन दिस इमेजेस, एंड टू गेट मोर डिटेल ऑफ इट मैंने इसके बेसिकली एक वीडियो भी बनाया है, तो आप वीडियो के यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। सो व्हाट इज लोकटस, तो लोकटस इज अ फैमिली ऑफ द ग्रास ऑपर, बेसिकली ग्रास ऑपर की फैमिली से आती है, एंड दी आर द ओल्डेस्ट माइग्रेटरी पेस्ट इन द वर्ल्ड। राइट, तो वीडियो के आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पे मैंने जो डिटेल वीडियो बनाया है उसको आप देख करके और क्लैरिटी से समझ सकते हैं। राइट,
एंड ओरिजिनली इट वॉज फाउंड इन वेस्ट एशिया, राइट। तो ये वेस्ट एशिया में पहले बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज में यहाँ पे इसका इंसेप्शन हुआ था। एंड इट बेसिकली इसकी अगर लाइफ की बात करें तो ये लिव करती है ऑलमोस्ट 90 डेज के लिए, और जो इसकी कैपेसिटी है इट हैज़ अ कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई एट द रैपिड पेस, फाइन। और अगर इसकी ट्रैवल की बात करें सिंगल डे में तो इट कैन ट्रैवल अप टू 150 किलोमीटर्स पर डे, राइट। एंड दिस कैन माइग्रेट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस एंड दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 15-20 किलोमीटर्स, राइट। एंड दिस स्पीड कैन अगेन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द विंड, तो विंड के स्पीड से भी ये अपने स्पीड को इंक्रीज करती है। नाउ बात करें एडवांटेजेस ऑफ ड्रोन की, तो आप कुछ इस तरह की इमेजेस देख सकते हैं। इस तरह से ड्रोन मदद करेगी टू हेल्प यू नो स्प्रेइंग इट, और वहाँ पे जितने भी जो लोकस्ट होंगे उसको हटाने में मदद कर सकती है। तो ड्रोन कैन स्प्रे द इंसेक्टिसाइड फ्रॉम द हाइट्स इन द प्लेन एंड इन द रेगुलर स्प्रे कैन नॉट रीच, जहाँ पे एक नॉर्मल स्प्रे इंडिविजुअली मैनुअली हम नहीं कर सकते हैं वहाँ पे ये ड्रोन काम करेगी, राइट। एंड दे कैन किल लोकस्ट विच हैव रीच्ड द हाई ट्रीज, जैसे हाई ट्रीज हैं जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, सो ड्रोन कैन हैव अ ह्यूज एडवांटेज देयर। एंड ड्रोन कैन स्प्रे द पेस्टिसाइड्स ऑफ नियरली 2.5 एकर एरिया ड्यूरिंग द फाइट ऑफ 15 मिनट्स, सिर्फ 15 मिनट में 2.5 हेक्टेयर ऑफ एरिया को कवरेज कर सकती है। सो दिस हैव अ सीवियर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ड्रोन। तो ड्रोन जितने भी स्टेट्स में ज़रूरी है उसको यूज़ करनी चाहिए, और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन प्रमोट करने की ज़रूरत है। नाउ कुछ एग्जेम्पशंस एरिया रखे गए हैं, सो द ड्रोन विल बी फ्लोन ओवर द इको सेंसिटिव जोन्स, जो इको सेंसिटिव जोन्स है वहाँ पे ड्रोन को फ्लाई नहीं किया जाएगा। जहाँ पे नेशनल पार्क है, सेंचुरीज वाले एरिया है, वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड होगी। एंड द ड्रोन ऑपरेशन वुड बी रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन द सनसाइन एंड द सनसेट, तो सनसाइन से सनसेट के बीच में ही इसको ऑपरेट करना है, नॉट आफ्टर दैट, सनसेट के बाद अलाउड नहीं होगी, राइट। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द हेल्थ पार्टनरशिप, राइट। इसको निशिकांत दुबे ने लिखा है, ही इज एन बीजेपी एमपी फ्रॉम झारखंड। तो बेसिकली इनका कहना है कि हेल्थ में किस तरह से पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तो COVID-19 के पेंडेमिक के बाद इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि पार्टनरशिप बढ़ाया जाए हेल्थ केयर सेक्टर में, और पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में ज़रूरी है कि कैसे प्राइवेट को बेसिकली सेक्टर्स जो हैं PPP पार्टनरशिप के थ्रू, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके थ्रू हम अपने हेल्थ सेक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑल्दो इंडिया ने अपने बेसिकली COVID-19 के जो पेंडेमिक है उसको पहले इनिशियली बहुत अच्छे से हैंडल किया था, और अब ये चीज़ें थोड़ी वर्स्ट हुई है बिकॉज हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस हैं, जो टेस्ट हैं, वो थोड़े कम हैं। हाउएवर कंसीडरिंग द नंबर ऑफ द इन्फेक्शन, इंडिया इज़ इन द डायर नीड ऑफ मेडिकल स्टाफ एंड एमिनिटीज़। तो हमें ज़रूरत है प्रॉपर मेडिकल स्टाफ की, और जो ज़रूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ है, दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड टू द ईच एंड एवरी हॉस्पिटल इन द कंट्री। और अगर बात करें हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से तो हमारे पास सिर्फ 950,000 एक्टिव डॉक्टर्स हैं, राइट। एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट बेसिकली द COVID-19 पेंडेमिक। तो अभी यहाँ पे ज़रूरत ये है कि देर इज़ अ नीड ऑफ रैपिड बिल्डिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डॉक्टर्स। वी आर ऑलरेडी लैकिंग इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स। अगर ग्लोबली बात करें तो वैक्सीन अभी स्टिल इज इन कंटिन्यूएशन। वैक्सीन बनने में अभी कम से कम एटलीस्ट देर वुड बी 18 मंथ्स वी हैव टू वेट फॉर दिस। और अप्रॉक्सीमेटली 40-70% ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। तो ज़रूरत है यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर के साथ कोलेबरेट किया जाए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कवरेज है हेल्थ केयर सेक्टर में 70% प्राइवेट प्लेयर्स का ही है। ना बात करें डॉक्टर टू पॉपुलेशन की, जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो क्या है, तो इंडिया में जो डॉक्टर की पॉपुलेशन रेशियो है दैट इज़ बेसिकली 1:1, एक डॉक्टर है 1,145 लोगों पे। पर जो WHO की जो आइडियल रिकमेंडेशन है उनके मुताबिक एक डॉक्टर होने चाहिए 1,000 पेशेंट्स पे, राइट, कंसिडरिंग द इंडिया पॉपुलेशन। दिस इज़ नॉट द यूनिवर्सल, दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर इंडिया। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आप ज़रूर याद रखें ताकि आप अपने मेंस में इसको ऐसे लिख पाएँ, राइट। एंड नंबर ऑफ द डॉक्टर्स दैट नीड टू मीट द रेशो वुड बी रफली क्लोज टू 16,74,800 डॉक्टर्स वुड बी रिक्वायर्ड इन इंडिया। और जिस तरह से इंडिया के जो शॉर्टेज है, तो अभी हमें फिलहाल के लिए 8 लाख डॉक्टर की ज़रूरत है, एंड 20 लाख नर्सेज आर ऑल्सो नीडेड फॉर द सपोर्ट स्टाफ। सो दिस इज समथिंग विच इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया इज फेसिंग इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर।
तो क्या रोड मैप है, किस तरह से हम जो लूप होल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं? सो द फर्स्ट इज टू ब्रिंग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जो कि ओवरनाइट नहीं आ सकती है. सरकार को देखना होगा, द गवर्नमेंट नीड टू इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ केयर. जैसे मैंने आपको बताया जो अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हमारी 1.13 के आसपास GDP की स्पेंडिंग है राइट ऑन हेल्थ केयर. और सरकार की कोशिश ये थी कि इसको 3% तक ले जाया जाए, बट जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वो सारे कुछ स्टेट्स हैं 4-5% ऑफ देयर GDP आर बीइंग स्पेंडेड इन द हेल्थ केयर सेक्टर. तो हमें ज़रूरत है कम से कम 4% के आसपास अपने GDP का हेल्थ केयर में खर्च करें. एंड इंडिया नीड टू अटेम्प अ कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस. तो जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. एंड देयर इज नीड टू हैव अ सेमी प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि जो बेसिकली जो बर्डन है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा महंगे, सो मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट. सो इट इज़ समथिंग विच वी नीड टू हैव अ सेमी प्राइवेट हॉस्पिटल विच इज़ मोर अफोर्डेबल टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. एंड क्रिएटिंग एन एडिक्युएट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्रिंगिंग FDI, दैट इज़ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर, वुड अगेन बी हेल्पिंग इन जनरल. बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा अगर FDI के थ्रू भी प्रमोशन मिलती है तो. सो वी नीड टू फ्यूचर स्ट्रेंथन द बायोमेडिकल रिसर्च, इन्वेस्ट इन द कटिंग एज मेक इन इंडिया हेल्थ टेक्नोलॉजी. तो जितनी भी चीज़ों की हम हेल्थ सेक्टर में अभी सबसे ज़्यादा अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया इज़ इम्पोर्टर ऑफ हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स. तो यहाँ पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ों को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एंड वी कैन अगेन सेव अ लॉट ऑफ मनी विच इज़ बीइंग देयर इन द इम्पोर्ट. फाइन, नाउ कमिंग टू द अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया नेपाल रिलेशन. We are already discussing in this topic, but from some other angle we'll discuss it, ताकि examination में कुछ भी अगर question आया तो उसको आप handle कर पाएँ. Basically आज हिंदू में आपको एक editorial भी मिल जाएगी, राकेश सूद ने लिखा है इसको, for the rest in the India-Nepal relations. तो India जो basically नेपाल के साथ 5 states हैं इंडिया के जो border share करते हैं, आप ये map में देख सकते हो. 5 countries are उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार एंड उत्तराखंड. और वंस अगेन अभी हुआ क्या है, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैव टर्न इन टू द वर्स. क्यों वर्स हुई है? बेसिकली रिसेंटली नेपाल ने क्या किया, एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है जहाँ पे ये क्लेम किया है कि जो काला पानी, ओके, लिम्पी अधूरा और लिपू लेक है जो उत्तरांचल में, बेसिकली वो सारे नेपाल की टेरिटरी में नए मैप में शो की गई है. सो दैट हैज़ अगेन रेज अ कॉन्ट्रोवर्सी विद इंडिया. तो इंडिया ने रिजेक्ट किया है इस नेपाल के जो नए मैप को, और कहा है कि वी नीड टू इन्वॉल्व द आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ बेसिकली जो जितने टेरिटरीज हैं बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फैक्ट एंड एविडेंस. तो कुछ ऑलरेडी हमने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं नेपाल के साथ काला पानी को लेकर के, पहले ही बहुत सारी चीज़ें एग्रीमेंट्स में चल रही हैं, बट जो नई मैप आई है दैट इज़ अगेन क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सीज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल बायलेट रिलेशनशिप. सो इंडिया की अगर स्टैंड की बात करें तो बेसिकली इंडिया हैज़ अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल टू रिफ्रेम फ्रॉम सच अनजस्टिफाइड जो कैटोग्राफिक एसर्शंस हैं विथ रेफरेंस टू इंडिया सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. तो नेपाल का जो मूव है बेसिकली कब आया, ये चीज़ें कैसे हुई, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने रिसेंटली एक मोटर बाइक लिंक इनोग्रेट किया था जो कि सिग्निफिकेंट है हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर के, और इससे काफ़ी किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होगी, राइट. एंड दिस रोड मैप हैज़ थ्रू टेरिटरी लिपू लेक जो है चाइना क्लेम करती है अपनी टेरिटोरी को, वहाँ से वो रोड निकलती है. नाउ अगर बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो करेंटली इंडिया एंड नेपाल हैव अ बॉर्डर डिस्प्यूट ओवर काला पानी लिपू लेक ट्राई जंक्शंस, राइट, जहाँ पे इंडिया नेपाल और चाइना का सुस्ट्रा एरिया जो है वहाँ पे भी जंक्शंस बनता है. तो ये सारे जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड है. अगर बात करें काला पानी रीजन और मैप्स के, दिस इज द मैप विच कैन सी दिस इज द डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ काला पानी लिपू लेक एंड दिस इज नेपाल एंड हियर इज द चाइना, राइट. सो इनहेरिटेंट बाउंड्री बिटवीन इंडिया नेपाल हैज़ बिन, यू नो, इससे पहले हमने काला पानी के लिए जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है उसका बेसिकली 1816 में हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है. इस ट्रीटी के मुताबिक जो काली रिवर है दैट कंस्टिट्यूएंट्स द बाउंड्री टेरिटरी टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द नेपाल, राइट. एंड काला पानी इज अ वैली दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन द उत्तराखंड. तो हमारे उत्तराखंड में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पिथौरागढ़ पे भी इस रीजन के अंदर में काला पानी आती है, एंड दिस इज सिचुएटेड इन द मानसरोवर एरिया रोड. सो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत रीजन जो काला पानी के हैं दैट इज़ अंडर इंडियाज़ ज्यूरिसडिक्शन, बट नेपाल इज अगेन क्लेमिंग दैट इज समथिंग
होली एंड सोनली ओन्ड बाय नेपाल टेरिटरी, राइट। तो क्या वे फॉरवर्ड है इसके लिए? तो जरूरी है कि दोनों कंट्री एक तरह से बैठे, जो बॉर्डर की जो मैनेजमेंट है, जो इंटरनल फोर्सेज है, जो रिस्पॉन्सिबल है बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए ताकि एक हेल्दी बायलेटरल रिलेशनशिप बने। और हमारे लिए नेपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री, बींग अ इमीडिएट नेबर, नेपाल इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो डेवलपमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पे या और भी बहुत सारी चीज़ों में नेपाल हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इंडिया शुड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव नैरेटिव फॉर इंडिया एंड नेपाल टाइस, दैट शुड बी अगेन लॉन्ग स्टैंडिंग जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है उसमें टाई करने की ज़रूरत है, कल्चरल कनेक्ट बनाने की ज़रूरत है ताकि हम अपना एक अच्छा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नोट का जो रिलेशनशिप है बेसिकली हमारे नेपाल के साथ वो बरकरार रहे, राइट। तो बढ़ते हैं एक इन्फॉर्मेशन की तरफ। आपको पता होगा, अगर आप में से कई नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि हमने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है जो जहां पे आप विजिट करके सिर्फ आंसर राइटिंग पे अपने फोकस कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर चेक कर लें। हर सुबह यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट होती है और बाय इवनिंग 6 PM यू कैन राइट योर आंसर एंड कैन पोस्ट इन द टेलीग्राम चैनल एंड यू विल गेट द फीडबैक ऑफ इट, राइट। तो एक ये नई इनिशिएटिव है फॉर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टू हेल्प यू इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ द UPSC, राइट। नाउ बढ़ते हैं MCQs की तरफ। उससे पहले जो कल के आंसर्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला सवाल था उसके आंसर जो है वो है बी है, दैट इज अदर टू स्टेटमेंट 1 and 2 इनकरेक्ट है कि द चौक इज अ पोजिशन ऑफ इमेटिंग स्क्वायर वेरी मस्कुलाइन स्टेंसर वेट ऑफ द बॉडी इक्विवेलेंट टू बैलेंस। मैंने त्रिभंगा पोश्चर्स और जो डांस के बारे में पूछा था आपसे। नाउ स्टेटमेंट टू, दैट त्रिभंगा इज वेरी फेमिनिन स्टेंसर वेर बॉडी इज रिफ्लेक्टेड विद डिफ्लेक्टेड नेक टोर्सो एंड नीज, राइट। तो ओडिसी डांस के बारे में ये सारी चीज़ें हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ें ताकि अगर कोई भी सवाल आए तो उसको आप आराम से हैंडल कर सकें। नाउ जो क्वेश्चन टू है उसकी स्टेटमेंट ऐसी, मैंने आपसे पूछा था जो इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म फैसिलिटेटर्स IFT सर्टिफिकेट उसको किसने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया, पैन इंडिया ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम ऑफ की गई है ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। एंड द प्रोग्राम विल हेल्प टू इन्हांस द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द टूरिस्ट हु विल बेनिफिट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ लोकल टूरिस्ट फैसिलिटेटर एंड इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। सो दिस अगेन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग टू द टुडेज क्वेश्चन, सो जो आज का सवाल है, फ्रॉम द हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ माउंटेन्स ऑफ डेक्कन सल्तनत विद द सिटी। आपको बताना है कौन से मॉन्यूमेंट किस सिटी में है। बहमनी मॉन्यूमेंट्स बीजापुर, आदिल शाही मॉन्यूमेंट गुलबर्ग एंड कुतुब शाही मॉन्यूमेंट्स हैदराबाद। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड, 1 and 2, 3, 1 and 3 और ऑल द अबव। तो यू हैव टू टेल मी विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। आप में से कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड सिंसियरली थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें ताकि हम आपके लिए कुछ और बेस्ट क्वेश्चन लेकर आएँ जो आपके रियल एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आंसर ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जा करके, अपने जो भी आंसर हैं ABCD वो हमें आप बताएं। नाउ द सेकेंड इज फ्रॉम द करेंट अफेयर एंड एनवायरमेंट, मौलिंग नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड इन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार। सो वॉट एवर यू फील इज द करेक्ट आंसर, डू लेट अस नो योर आंसर्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो, राइट। सो दिस वॉज द क्वेश्चन फॉर द डे एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू थम्स अप एंड लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब आर APT+ अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, जहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो जाएं चैनल सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियोज है उसका बेनिफिट लें, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। If you have any other concern, do let us know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much for listening.